बड़ी तेज रफ्तार के साथ दौड़ते हुए दुनिया में हम लोग चल रहे हैं। हम भी तो चल नहीं रहे हैं, लगभग हम सब भी दौड़ रहे हैं। जो शहरों से महानगरों के जीवन से ताल्लुक रखते हैं, उनका जीवन लगभग दौड़ने के समान होता है। इस युग में इतने सारे परिवर्तन और इतनी तेजी से हो रहे हैं जिसका अनुमान लगाना और जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 2-3 दशक पहले की बात थी जब कंप्यूटर ने न केवल इस संसार में कदम रखा परंतु मानव संसार में मनुष्य के जीवन के ऊपर अपनी हुकूमत को जताने, उनके पर अधिकार को करने, उसने मनुष्य को इस प्रकार से निर्भर कर दिया कि वह कहता है कि बिना मेरे तुम चल नहीं सकते। आज वही कंप्यूटर कहता है बिना मेरे तुम जी नहीं सकते हो। कुछ दशकों पहले शिक्षा अलग थी, आज की शिक्षा अलग है, आने वाला कल की शिक्षा भी एकदम अलग हो जाएगी। विशेष तौर से कोविड के इस युग में मानव जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। उसकी निर्भरता, उसके काम करना, उसके रहन सहन, उसकी जीवन की शैली सब कुछ बदलने वाली है। कुछ दशकों पहले जिस प्रकार से कंप्यूटर को पकड़ना, उसे समझना, उसे सीखना और उसके साथ काम करना मनुष्य के लिए जितनी कठिन हो चुकी थी, इस वर्तमान युग में इसी प्रकार से जो आने वाले परिवर्तन हैं उन सबको भी पकड़कर, उन्हें समझकर, उन्हें सीखकर, उनके संग चलना मनुष्य के लिए उतनी कठिनाई हो जाती हैं, लगभग इससे अधिक कठिन हो जाएगा। वचन के सुन रहे परिजनों में से कुछ ऐसे माता पिता हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो चुकी हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे और जवान इन बातों को सुन रहे हैं जिनके माता पिताओं को उम्र 50 के ऊपर बीत चुकी हैं। आपने उनके जीवन में देखा कि उन्हें किस प्रकार से इस रफ्तार को पकड़ना, इस गति में चलना, इस तेजी के साथ में अपने आप को पहचान दिलाना और अपनी जिंदगी को इसके साथ में तालमेल में लेकर आना उनके लिए कितना कठिन हुआ था, और कितने ही माँ बाप ने तो उसे छोड़ ही दिया है, हार ही मान लिया है, ये कंप्यूटर हमारे बस का बात नहीं है, ये शिक्षा हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे समझ से, हमारी मेधा शक्ति से बाहर है। बिल्कुल वैसे ही आज के जवान भी जिस प्रकार से देख रहे हैं, उनके हाथों से तकनीक आगे बढ़ने वाली है। हमारे माता पिता के साथ में जिस तरह से हुआ था, आज हमारे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है। हमारे बच्चे जो आज छोटी छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो आज हाईस्कूल में पढ़ते हैं, आज हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा का विधान सब कुछ बदल चुका है। न केवल उनका परंतु हमारी ज़िंदगी भी बदल चुकी है। कंप्यूटर की उस दुनिया से आज हम लोग मोबाइल की दुनिया में आ चुके हैं। स्मार्टफोन की ज़िंदगी चल रही है, स्मार्टफोन से सब कुछ हो रहा है। आज हम अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हैं। जिस प्रकार हमने एक समय अपने माता पिता को अनपढ़ों की तरह देखा था, आज हमारे बच्चे भी हमें अनपढ़ों की तरह देखते हैं। पिछले कुछ दशकों में ऐसा कोई समय नहीं रहा है जहाँ बच्चे लोग अपने माता पिता को अनपढ़ों की तरह देखते हैं। उनकी शिक्षा और उनके सीखने की विधियाँ जब बदल जाती हैं, माता पिताओं को, बुजुर्गों को अज्ञानियों की तरह देखते हैं, अनपढ़ों की तरह देखा करते हैं। ये बिल्कुल सहज हो चुका है। हर एक व्यक्ति अपने अपने माता पिता को अनपढ़ की तरह देखते हैं। आने वाला पीढ़ियाँ भी, भले हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो सकता है हमारे जन्म के समय से हम कंप्यूटर के साथ में काम कर रहे थे, हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने स्मार्टफोन के साथ में आरंभ किया होगा, लेकिन आने वाले दिन में बताया जाता है हर एक व्यक्ति को उनके बच्चे, उनके आने वाली पीढ़ियाँ अनपढ़ों की तरह ही, अज्ञानियों की तरह देखा करते हैं। एक ही हद तक सच है, क्या वे सच में अनपढ़ हैं, क्या वे सच में अज्ञानी हैं? हाँ, इसमें कुछ हद तक सही है। हमारे माता पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अज्ञानी तो नहीं थे। पढ़ाई से ज्ञान नहीं आती हैं, संस्कारों से ज्ञान आती हैं। बुद्धि, विवेक और संस्कार बड़ों की आदर करने से, सम्मान करने से मिलते हैं। शिक्षा को प्राप्त करते हैं, किताबों से कुछ बातों को सीखते हैं, इससे हम संस्कार को नहीं सीख सकते हैं। संस्कार, रीति रिवाज, पद्धतियाँ, मर्यादा, गौरव, ये सब हम बड़ों के पास से सीखते हैं। अनपढ़ माता पिता के पढ़े लिखे बच्चे किस प्रकार से जीवन को देखते हैं और किस तरह से अपने माता पिता को देखते हैं, आइए कुछ बातों के इस प्रकार से हम पवित्र शास्त्र से भी देखेंगे। कुछ अनुभव की बातों में से कुछ पाठों को सीखकर आज के ध्यान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन के पहला अध्याय में से हम लोग कुछ बातों को पिछले 2 दिन से ध्यान कर रहे थे। आज फिर से एक बार मैं आपकी दृष्टि वहीं पर लेकर जाऊँगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा का ना तज। जिस पुत्र को सुनने के लिए और जिस पुत्र को कान लगाने के लिए कहते हैं, ये व्यक्ति के बारे में गौर करेंगे। ये व्यक्ति वो है जो किसी की बात को नहीं सुनता है। ये व्यक्ति वो है जो शिक्षा पर कान नहीं लगाता है। ये व्यक्ति वो है जो बड़ों की बातों का सम्मान नहीं करता है। ये वो व्यक्ति है जो ज्ञान से दूर रहता है। ये वो व्यक्ति है जो बड़ाई के करीब में रहता है। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो संकट में पड़ चुका है, जो समस्या में गिर चुका है, जो उलझन में पड़ चुका है, इतनी भयंकर स्थिति में गिर चुका है, इसलिए उसको उपदेश के रूप में कहते हैं, हे मेरे पुत्र, कम से कम अभी तो सुन। जितनी बातें तेरे पिता ने तुझसे कही हैं, अगर तूने सुना होता, जितनी शिक्षा तेरी माँ ने तुझे दी हैं, अगर तूने सुना होता, अगर तूने उसके ऊपर गौर किया होता, आज तो इस हाल में नहीं रहता। पवित्र शास्त्र में से हम एक बेटे को देखते हैं जिसने अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति को मांग लिया और उससे लेकर दूर देश में चला गया। व्यापार करना चाहता था, धन कमाना चाहता था,
लेकिन अयाशे में और कुकर्मों में और गलत रीति के जीवन में उसने अपना सारा धन को व्यय कर दिया था, जिसके कारण वो कंगाल हो चुका था। उसके पास कोई पैसे नहीं थे, ना उसके पास कोई मित्र थे, ना ही उसे कोई काम देते थे। काफ़ी कठिनाई और परिश्रम से गुजरने के बाद लगभग मरने की स्थिति में पहुंचने के समय अपने पिता की बातें याद आती हैं, पिता के घर याद आते हैं और वापस पिता के घर पहुंच जाता है। जैसे पिता के घर वापस पहुंचता है, पिता सम्मान के साथ में, खुशी के साथ, आनंद के साथ में उसे फिर से एक बार अपने बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं। अपने पिता से कुछ ज़्यादा ही कमाने की कोशिश में, अपने पिता से कुछ ज़्यादा अपने आप को काबिल साबित करने की कोशिश में, जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ ये बेटा निकला था, लेकिन इसके साथ में सही शिक्षा नहीं थी, इसके पास सही मित्र नहीं थे, इसे उपदेश करने वाले कोई नहीं थे, इसको सलाह देने वाले कोई नहीं थे। माता पिता के घर से दूर हैं, अपने भाई से दूर हैं, हर एक अच्छी चीज़ से, हर एक भली चीज़ से अपने जीवन से दूर हो चुका था। इनके जीवन जब नाश होने पर थे, जब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, अपने होश में जब वापस लौट आता है, उसे पिता की बातें, उसे पिता के घर उसे याद आती हैं। कक्षाओं को बदलते हुए, तरक्की को पाते हुए, एक कक्षा से दूसरी कक्षा बढ़ते बढ़ते लोग आगे बढ़ते हैं। इसी को तरक्की समझते हैं, इसी को ज्ञान समझते हैं, इसी को बुद्धि और विवेक समझते हैं। ये तो अक्षर का ज्ञान है, इससे हमें संस्कार नहीं मिलते हैं, इससे हमारी मान सम्मान नहीं मिलते हैं, इसके कारण हमें रोजगार मिलते हैं, इसके कारण हम कुछ कमा सकते हैं, हम कुछ बन सकते हैं, धन दौलत मिल सकती हैं। लेकिन सही ज्ञान और समझ के लिए खुदावंत की भाई को रखने से, माता पिता की आदर और सम्मान करने से आती हैं। इन्हीं बातों के ऊपर पवित्र शास्त्र हमें से जोर देते आती हैं। अक्षर ज्ञान और अक्षर की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु संस्कारों की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, एक और उदाहरण के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह एक बहुत बड़े काम से इस जगत में आए थे, स्वर्गराज में हम सबको ले जाने के लिए आए थे। स्वर्ग के बारे में सभी को बताते समय सभी को आह्वान दिया करते थे, जो जो प्रवेश करना चाहते हैं, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा प्राप्त करो। यही बात को यूहन्ना बपतिस्मा भी कहते आ रहे थे, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा पाओ। यीशु मसीह उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। अपनी सेवकाई के जीवन में यीशु मसीह आगे बढ़ते समय पतरस को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, अन्द्रियास को, फिलिपस को देखते हैं। इस तरह से यीशु मसीह ने 12 लोगों को देखा था और सभी को आह्वान दिया है, तो मेरे पीछे आ जाओ। कुछ लोग नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ दी। कुछ व्यापार कर रहे थे, व्यापार छोड़ दिया। कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते थे, उसे भी छोड़ दिया। सब लोग अपने अपने पेशे को छोड़कर, अपने अपने व्यापार और कारोबार छोड़कर आ गए हैं। इनमें कौन सी काबिलियत थी, कौन सी ऐसी शिक्षा थी, इनमें ऐसी कौन सी योग्यता थी, कहाँ तक पढ़े लिखे थे, इनके बारे में जब देखते हैं वचन कहता है ये अनपढ़ लोग थे। यीशु मसीह ने अनपढ़ लोगों को चुना है। कौन थे ये लोग? एक बुलाहट को सुनकर, उनकी सम्मान करते हुए, उनके मान करते हुए, यीशु की मर्यादा करते हुए, यीशु मसीह को अपना गुरु मानकर उनके पीछे चलने वाले लोग थे। यीशु मसीह के ही बारे में कुछ बातें अगर कहें, यीशु मसीह नाजरत में आते हैं, नाजरत के एक परिवार में जन्म लेते हैं, बड़े के काम करने वाले यूसुफ और मरियम दंपति का बेटा बनकर यीशु मसीह संसार में जीवन बिताते हैं। यीशु मसीह ने थोड़ी बहुत शिक्षा को प्राप्त की है। क्यों कहते हैं ये बात? क्योंकि व्यवस्था की बातों को लेकर पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को लेकर मंदिर में बैठकर पढ़ा करते थे। यीशु ने पढ़ाई किया था, किस हद तक पढ़ाई किया था, कहाँ तक पढ़ाई किए थे, इसके बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया है यीशु को पढ़ना लिखना आता है, उनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। लोग कहते थे इतने ज्ञान इनके पास कहाँ से आई, ऐसी अचमित बातें इनके पास कहाँ से आई हैं कि हमारा नाजरत का बड़ा यूसुफ का पुत्र नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जब कहते हैं, उनके पिताजी के पेशे के बारे में बताते हुए बड़ा ही कहते हैं, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि हो सकता है यूसुफ ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई किया होता तो शायद कोई दफ्तर में काम करते। अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपने माता पिता का अपमान नहीं किया है, यीशु ने कहीं पर भी अपने माता पिता को अनपढ़ों की तरह नहीं देखा है, यीशु ने उनका सम्मान किया, उनका गौरव किया है, व्यवस्था के मांग के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार माता पिता का सम्मान किया है। यीशु ने जब जेलों को बुलाहट दिया था, उनकी शिक्षा को नहीं देखा है, कहाँ तक पढ़े लिखे नहीं देखा, क्या तुम मेरी बातों को सुन सकते हो, मेरे पीछे चल सकते हो, जो काम मैं तुम्हें देता हूँ क्या उसे कर सकते हो। व्यवस्था की मांग के आधार पर यीशु मसीह ने उनसे भी कहा है पाप से दूर होने के लिए, प्रायश्चित किए हैं, वह पश्चाताप किए हैं, बपतिस्मा को प्राप्त किए हैं, यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा को लेकर आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह को अपना गुरु मानकर आगे चलते हैं। स्वर्ग का जो जिम्मेदारी थी यीशु मसीह अपने चेलों के हाथों में दिया था। एक ऐसे चेले थे, कौन सी काबिलियत थी इनके अंदर? कोई काबिलियत नहीं थी, वे अनपढ़ थे, लेकिन सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन के आधार पर खड़ा किए हैं और परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पण किए हुए हैं। नीति वचन के जिस ग्रंथ से हम लोग इस अध्ययन को ले रहे हैं, उसका लेखक एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, जो कम पढ़े लिखे माता पिता से जन्मे हैं। कौन है इसका लेखक? इसका लेखक है सुलेमान,
जो इसराइल का राजा थे। इनका पिताजी का नाम दाऊद है। दाऊद वैसे एक चरवाह के बेटे, एक किसान के बेटे थे। दाऊद भी स्वयं एक चरवाहा थे, लेकिन दाऊद ने कम से कम इतना पढ़ाई लिखाई तो किया कि अपनी बातें और अपने किए जो उनके मन में आया करते थे उन सभी चीज़ों को लिखा करते थे। कम से कम इतनी पढ़ाई तो उन्होंने किया था। सुलेमान की माता राजा दाऊद के पास काम करने वाले, उनके सेना में काम करने वाले एक सैनिक की विधवा थी। जब उरिया गुजर चुका था, दाऊद ने बतशेबा को अपनी पत्नी बनाया था। बतशेबा से दाऊद का जन्मा हुआ बेटा ही सुलेमान है। वैसे हमने दाऊद को देखा तो एक चरवाह थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चरवाह की जगह से राजसिंहासन पर, राजगद्दी पर लाकर बिठा दिया था। पढ़ने लिखने की उम्र में दाऊद भेड़ों को चराया करते थे। अपनी जवानी में पहुंचने के बाद आधे जीवन तो उन्होंने गुफाओं में और जंगलों में बिता दिया था। शेष जीवन वो राजसिंहासन पर बिताते हैं। सुलेमान का जब जन्म हुआ था, राजा के घर पर जन्म हुआ था। एक राजकुमार थे। एक राजकुमार की हैसियत से उन्हें सारी तालीमों को प्राप्त किया है। हर प्रकार की शिक्षा में, हर प्रकार के कौशल में उन्होंने हाथ रखा है। उन्हें तालीम देकर, उन्हें शिक्षा को देकर, प्रशिक्षण में आगे बढ़ाकर, उन्हें प्रवीणता में आगे बढ़ाने के लिए कुछ गुरुओं के अधीन में सुलेमान अपने शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इन सबसे बढ़कर सुलेमान ने परमेश्वर से मांग कर ज्ञान को प्राप्त किया था। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, इतने सारे तालीम प्रशिक्षण के बाद में परमेश्वर के उसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान और बुद्धि समझ के बावजूद सुलेमान बहुत सारी गलतियों को करते हैं। अपनी गलतियों से जब गिर जाते हैं, तभी हमसे कहते हैं, मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा की ओर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। माता पिता तुमसे जो कहते हैं वे गुण की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, जीवन की बातें हैं। तुम्हारे कंठ के लिए माला ठहरेंगे और तुम्हारे सिर के ऊपर शोभायमान मुकुट की तरह वो ठहरेंगे। इसलिए उनकी शिक्षा को कभी तुच्छ ना जानना, कभी अपने आप को अधिक पढ़ा लिखा, कभी अपने माता पिता को अनपढ़ की तरह ना देखना। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के विभक्त गणों, हो सकता है आपने अपने माता पिता को इस प्रकार से देखा होगा, और ये भी हो सकता है आपके बच्चे आप किस तरह से देखते हैं। हम पढ़ लिख लेते हैं, हम अपने माता पिता को अनपढ़ों की तरह देखते हैं। अनपढ़ माता पिता ने हमें जन्म को दिया है। उन्होंने अपने सीमित ज्ञान से हमारी परवरिश की है। सीमित जो साधन उनके पास थे, उसी से उन्होंने हमारी देखभाल किया है। उनके पास इतने धन दौलत नहीं थी कि हमारा पूरी देखभाल करें, फिर भी उन्होंने कुर्बानियों को दिया है, त्याग को दिया है, इसलिए कि हमें पढ़ाए, हम कामयाब इंसान हो जाएं, हम होनहार इंसान बन जाएं, उनकी तरह हम लोग अनपढ़ ना ठहरे। किताबों से मिलने वाले अक्षर ज्ञान से हमें संस्कार तो नहीं मिलते हैं। पाठशाला में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पुस्तकों से प्राप्त होने वाले अक्षर ज्ञान से हम अपने रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत कमा सकते हैं। संस्कारों से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से निकली बातों से हमारी जीवन बनती हैं, हमारी दिशा बदलती हैं। हमसे ज्ञान की बातें बांटने वाले अनपढ़ हो सकते हैं। हमसे ज्ञान की बातें बांटने वाले हो सकता है हमारे जितने अमीर तो नहीं हैं, गरीब हो सकते हैं। हमसे बुद्धि विवेक की बातें, संस्कार की बातें सिखाने वाले गाँव में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहते होंगे। कौन झोपड़ियों में रहते हैं, कौन महलों में रहते हैं, कौन गाँव बस्ती में रहते हैं, कौन नगर और शहरों में रहते हैं, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन अनपढ़ हैं, ये मायने नहीं रखता है। अगर संस्कार हमारे अच्छे हों, बुद्धि विवेक के काम हम करते हों, हम सही चाल चलन के साथ चलते हों, हम विवेक के साथ में चतुराई के साथ चलते हुए एक साफ और शुद्ध जीवन अगर बिताते हों, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे सबसे बड़ा है। इससे बढ़कर परमेश्वर भी कुछ नहीं चाहते हैं। इससे बढ़कर ये संसार, ये समाज भी और दूसरे भी हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम अच्छे बने, हम सच्चे बने, धर्मी और पवित्र बनकर, बुद्धिमान बनकर, बुराई से दूर होकर, हर प्रकार की दुष्टता से, हर प्रकार की मलिनता से अपने आप को दूर रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कामना, हमारी दुआ भी यही है, आपका जीवन परमेश्वर के लिए भावतों एक बलिया के रूप में अर्पण किया जाए। आप इस योग्य और इस काबिल बने जो परमेश्वर आपकी पदृष्टि रखते हैं। आपकी भीतर की पवित्रता, धार्मिकता, सिद्धाई को देखकर परमेश्वर उससे प्रसन्न हो, अपनी महिमा को प्राप्त करें। हमारी सिद्धवार कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।